अब हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर चार तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। इन सारे ऑपरेटर्स की लिस्ट W3 स्कूल्स के अंदर मौजूद है। अगर आप जावास्क्रिप्ट टैब के अंदर ऑपरेटर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ टेबल्स नज़र आएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स लिस्ट डाउन हुए हुए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर ये वाले सारे ऑपरेटर्स हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हम आगे की किसी वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में नहीं देखेंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं आगे की वीडियोस में ये पढ़ाऊँगी। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बिल्कुल वही ऑपरेटर्स हैं जो आप मैथ्स में हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेते हैं और यहाँ पे कंसोल पे चले जाते हैं। यहाँ पे W3 स्कूल्स के कुछ एरर्स आ रहे हैं जिससे हमारा कोई गर्ज नहीं, तो हम क्लियर कंसोल पे क्लिक करेंगे। अब हम एक एक करके ये सारे ऑपरेटर्स एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये वही सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेटर्स हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सारे नंबर्स पे अप्लाई होते हैं। वो नंबर्स फ्लोट भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर स्टडी करेंगे। प्लस ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम एक न्यू वर्ड पढ़ रहे हैं, बाइनरी, जिसका मतलब है टू। तो बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए होते हैं। और दूसरा वर्ड जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है यूनरी, जिसका मतलब है वन। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है। तो अभी जो जो ऑपरेटर्स बाइनरी होंगे मैं आपको मेंशन करूंगी, और जो जो ऑपरेटर्स यूनरी होंगे मैं वो भी मेंशन करूंगी। तो प्लस ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके लिए हमें दो नंबर्स चाहिए होते हैं। मसलन अगर मुझे 2 + 5 करना है तो यहाँ पे देखें, प्लस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए मुझे दो नंबर्स चाहिए, एक 2 और एक 5, और इसका आंसर होगा 7। ये बिल्कुल वही मैथ्स वाला प्लस ऑपरेटर है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, अगर मैं लिखूँ 2 - 5 तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर है और इसका आंसर होगा -3। उसके बाद ये जो स्टेरिक का साइन है ये मल्टीप्लाई कहलाता है। मैथ्स पे हम मल्टीप्लाई एक्स लिखते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक लिखते हैं। तो 2 × 5 इस तरह लिखा जाएगा और इसका आंसर होगा 10। इसके अलावा एक एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है जिसका मतलब है पावर। तो मैथ्स में हम जिस तरह लिखते हैं 4² या 4² इसका मतलब है 16, या अगर मैं लिखूँ 2³ तो इसका आंसर होगा 8। तो अगर मुझे यही चीज़ जावास्क्रिप्ट में लिखनी है तो मैं इसे लिखूँगी 4**2, जिसका मतलब है 4² या अगर मुझे लिखना होगा 2³ तो मैं इसे लिखूँगी 2³³ और इसका आंसर होगा 8। इसे हम console.log के अंदर करके देख लेते हैं। 2³³ इसका आंसर है 8, क्योंकि 2³ होता है 8। या अगर मैं लिखूँ 4² इसका आंसर होगा 16, अगर मैं लिखूँ 5³ तो इसका आंसर होगा 125।
तो एक्सपोनेंसिएशन ऑपरेटर, अगर आपको मैथ्स के अंदर एक्सपोनेंट याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंसिएशन ऑपरेटर इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता। इसके अलावा एक डिवीज़न ऑपरेटर है, तो ये बिल्कुल मैथ्स वाला डिवीज़न है। तो अगर मैं लिखूँ 5/3, तो इसका आंसर होगा 1.66666667। या अगर मैं लिखूँ 16/4, तो इसका आंसर होगा 4। तो ये सिंपली मैथ्स वाला डिवाइड ऑपरेटर है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो इसको हम, ठीक है, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ 5 को 3 से, तो आंसर आएगा क्या, 3 1 3, और यहाँ पे रिमाइंडर है 2। तो ये जो 2 है इसे कहते हैं रिमाइंडर, और इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5/3, तो इसका आंसर होगा 1.6667। लेकिन अगर मैं लिखूँ 5%3, मतलब ये वाला परसेंटेज मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो इसका आंसर होगा 2। ये 2 कहाँ से आया? ये यही रिमाइंडर है जो 5 और 3 की डिवीज़न से मिला है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं करूँ 16/3, तो इसका आंसर होगा 5.3। लेकिन अगर मैं 16/3 करूँ, तो इसका आंसर आएगा 1। ये 1 कहाँ से आया? अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करूँ, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। रिमाइंडर इसका होगा 1। तो इसीलिए 16/3 का आंसर होगा 1। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ 128/2, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि 128/2 का कोई रिमाइंडर नहीं होता, क्योंकि 128 एक इवन नंबर है। या अगर मैं लिखूँ 155/9, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि अगर मैं 155 को डिवाइड करूँ 9 से, तो 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे आएगा 15, 6 5 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 27, 4 ज़ा 36, 5 ज़ा 45, 6 ज़ा 54, 7 ज़ा 63, 2। तो 2 हो गया इसका रिमाइंडर, और 155/9 का आंसर हो जाएगा 2। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर आया है 2। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस परसेंटेज को आपने मैथ्स वाले परसेंटेज से कंफ्यूज नहीं करना। इस परसेंटेज का मतलब सिंपली रिमाइंडर है, ये वो मार्क्स वाला परसेंटेज नहीं है। फाइनली प्लस मतलब इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये दोनों ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक नंबर की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2++, सॉरी यहाँ पे आप नंबर के आगे नहीं लिख सकते, अगर मैं लिखूँ a=2 और उसके बाद a++, और उसके बाद अगर मैं a लिखूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 3। तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है? प्लस प्लस ऑपरेटर इस वेरिएबल के अंदर 1 ऐड कर देगा। तो जब नेक्स्ट टाइम आप
ए लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 3। अब मैं दोबारा से ए लिखूंगी तो इसकी वैल्यू दोबारा से 3 होगी, लेकिन अगर मैं अब दोबारा से ए प्लस प्लस कर दूं और उसके बाद ए लिखूं तो इसकी वैल्यू होगी 4, क्योंकि प्लस प्लस ऑपरेटर को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये इस वेरिएबल के अंदर 1 ऐड कर देता है। बिल्कुल इसी तरह ए माइनस माइनस जो कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इस वेरिएबल में से 1 माइनस कर देगा। तो अगर मैं ए माइनस माइनस लिखूंगी और उसके बाद दोबारा से ए लिखूंगी तो अब इसकी वैल्यू होगी 3, क्योंकि मैंने इसमें से 1 डिक्रीमेंट कर दिया है, मतलब 1 माइनस किया है। इसी तरह अगर मैं दोबारा से ए माइनस माइनस लिख के और फिर ए लिखूँ तो इसका आंसर होगा 2।